हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो टुडे वी हैव कम टू बिग बान फार्म, नेचर फार्म, जो कि बनेरगट्टा के पास ही है। बिल्कुल, इट्स अ हिडन ट्रेजर ऑफ हाउ यू कैन पेट एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सो लेट्स क्विकली टेक अ टूर टू बिग बान फार्म, लेट्स गो। सो बिग बान से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जानी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे, रिलेटेड टू टाइमिंग्स, किस टाइमिंग्स पे बिग बान ओपन होता है, क्या क्या स्लॉट्स अवेलेबल हैं, वीकडेज पे जाना चाहिए या वीकेंड्स पे, क्या कॉस्ट है टिकट्स की, वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मेक श्योर यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो। सबसे पहले आते ही, जब तक हम अपने इंस्ट्रक्टर का वेट कर रहे थे जो हमें टूर देने वाला था पूरे बिग बान का, तब तक इशी ने यहाँ पे खूब सारा खेला और खूब सारा एंजॉय किया। So okay. This ant's name is weaver ant. This is not weaver a head ant. Okay. This ant's specialty, you know, this ant is an edible one. Edible? Yes, sir. You know the Western Ghats are inside the hill, so it's a survival purpose only. It's very dangerous. Which one? Snake. Okay. अब इसके बाद हम आगे बढ़ गए थे जहां पे बच्चों को जो है छोटे छोटे से पॉट्स दिए गए थे, एंड द होल कॉन्सेप्ट वाज कि वो प्लांटेशन सीड से प्लांट कैसे बनता है, वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खुद से ही सीखें। दे शुड नो अबाउट द प्लांट्स, दे शुड नो अबाउट द वॉटरिंग प्रोसेस, सनलाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, फूड कैसे मेक करता है प्लांट। तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी यहाँ पे थी जिसके बारे में उन्होंने हमें काफी डिटेल में बताया था। एंड में सारे बच्चों को यहाँ पे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से कलरफुल से पॉट्स दिए गए थे, एंड दे वर आस्क्ड टू फिल इट विद मड, विच दे आर डूइंग इट एंड शोइंग इट टू द इंस्ट्रक्टर। सो यहाँ पे उन्होंने ना हमें फिर सीड्स दिए थे एंड दे आस्क्ड टू मिक्स इट, और फिर ये पॉट्स हमें लास्ट में जब टूर एंड हो जाना था घर लेकर आने थे, सो दैट द किड्स में वॉटर इट एंड सी इट ग्रोइंग। तो फ्लेक्स सीड्स यहाँ पे हमें मिले थे एंड इट वॉज सच एन अमेजिंग एक्टिविटी। इसी ने इतना ज्यादा इंजॉय किया था इसको, एंड देन एट दी एंड ही आस्क्ड कि फ्लेक्स सीड्स हैं तो आस्क योर मम्मा टू प्रिपेयर मेथी पराठाज विद इट और मेथी की सब्जी विद इट। सो इट वॉज अ रियली फन एक्टिविटी विच वी ऑल एंजॉयड। So two types of spider here. Two types of spider. One is a grey. Wow, oh my god. अगर आप देख पा रहे होंगे वीडियो में तो यहाँ पे स्पाइडर्स आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखो, then you will be able to locate it, because ये जो स्पाइडर है ये देखो कितना huge स्पाइडर था। So this is a very rare species which is found over here. So he was explaining us about it. और specifically ये जो आप देख रहे हो ना, this was male spider. थोड़ा zoom करके मैंने यहाँ पे आपको जो दिखाया है, and it was real ह्यूज। मतलब यहाँ पे इतना शायद क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, जितना आप वहां जाके एक बार देखोगे देन यू विल रियली यू नो रियलाइज कि वाओ, सो ह्यूज स्पाइडर इट वॉज। नेक्स्ट इसके बाद हम चले गए थे, आगे बढ़े थे काउज के सेक्शन में, जहां पे काउ को पेट किया था। ही टोल्ड अस अबाउट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ काउ विच इज फाउंड इन इंडिया। तो यहाँ पे आप पेट भी कर सकते हो काउस को, पेट इन द सेंस यू कैन फीड देम, यू कैन यू नो यू कैन कर्डल देम एंड यू कैन जस्ट पैट देम। ये जो आप देख रहे हो दिस इज भीमा, दिस वाज द मोस्ट डेंजरस ऑक्स ओवर हियर। तो ये मैंने जूम करके आपको दिखाया है, हमें इसके पास जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था बिकॉज ही इज वेरी वेरी फ्यूरियस, ये किसी को भी अपने पास आने नहीं देता है। सो यहाँ पे इशी ने हे खिलाई थी काउ को, एंड शी रियली एंजॉय दिस एक्टिविटीज बिकॉज यूजली सिटीज में ऐसी एक्टिविटीज करने को हमें नहीं मिलती है। टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज में फिर भी यू कैन डू दैट, बट नॉट इन टीयर वन सिटीज ऑफकोर्स। सो शी रियली एंजॉयड दिस कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे टूवर्ड्स मोर एनिमल्स, जो इशी ने लैब पे बिठा के उन्हें पेट किया था, एंड शी वॉज रियली वेरी मच एक्साइटेड पेटिंग देम, जहां पे यू नो उसने हैमस्टर को, रैबिट को, गिनी पिग को पेट किया था। शी वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड, एंड डोंट मिस द स्टार एनिमल जो कि अभी आने वाला है, जिसको हमने अपने हेड पे शोल्डर्स पे बिठाया था, दैट इज इगुआना। यस, यू आर एंजॉय होल्डिंग, यू आर एंजॉयिंग होल्डिंग एनिमल्स, यस एक्साइटेड। Nothing it will do. Stay still. Enjoy. Whoa.
Everybody hold this one. इसके बाद हम आगे बढ़ गए थे जहां पे लश ग्रीनरी थी. इसी ने दौड़ दौड़ के खूब ज्यादा एंजॉय किया और यहाँ पे हम पेट करने आ गए थे गोट्स को एंड माउंटेन शीप्स को. अमेजिंग. Per day 250 or 300 like that much. So this milk is highly expensive. Look here. इसके बाद थोड़ा सा वॉक करने के बाद हम आगे की तरफ चल दिए थे फिश फीडिंग करने के लिए. So this fish is a koi fish. So the koi native place is China and Japan. You know, all koi fishes are pure vegetarian. That one eats sometimes algae and dry leaves. Then fish feeding करने के बाद अब आती है बड़ी धमाकेदार वाली एंट्री. किसकी? ट्रैक्टर की. ट्रैक्टर राइड. हां जी, ट्रैक्टर राइड हमने करी थी क्योंकि जहां हम फिश फीडिंग करने गए थे ना वहां से मेन जहां से हमने स्टार्ट किया था वो वाली जगह काफी चल के जाने वाली थी. तो लौटते टाइम तक सभी लोग जो थे वो काफी थक गए थे तो लौटते में हमें मिली थी रॉयल सी ट्रैक्टर राइड. फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ट्रैक्टर राइड का जो इशी ने और हम सब ने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया. तो अगर आप बिग बान आने का सोच रहे हो ना तो बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हो. अपने बच्चों को लेके यहाँ पे जरूर एक बार तो एटलीस्ट आना ही चाहिए सो दैट दे मे गेट हैंड्स ऑन एक्टिविटी. बहुत सारी चीजें यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिकल करके काफी कुछ लर्न करते हैं रादर देन थियोरेटिकल. ये तो सभी को पता है. बहुत ही सुकून मिलने वाली जगह है. आप आराम से पूरा टूर लेने के बाद चिल आउट भी कर सकते हो. तो बस आज का व्लॉग यही था. व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए. चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए. मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे न्यू वीडियो में. टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.